Hello friends, this is Javed and you are watching our YouTube channel Last Night Study जहाँ हम लोग informative videos लेकर आते हैं. So आज का जो हमारा एक psychological topic है, एक learning theory के बारे में हम लोग बात करेंगे. Previously हमने Skinner के बारे में बात की, हमने Thorndike के बारे में बात की और हमने Kohler के बारे में बात की. तीनों में differences हमने देखा कहीं ना कहीं कि कोई stimulus और response के बारे में बात कर रहा है, तो कोई इनसाइटफुल लर्निंग के बारे में बात कर रहा है, और तो एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में बात कर रहा है. ये सोशल लर्निंग के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं. बैंडूरा एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एल्बर्ट बैंडूरा. एल्बर्ट बैंडूरा, ठीक है. इनकी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमें ये बताती है दैट पीपल लर्न फ्रॉम वन अनदर. राइट, थ्रू ऑब्जर्वेशन imitation and modeling. देखिए दोस्तों, बैंडूरा के बारे में अगर पढ़ रहे हैं हम लोग, इनकी साइकोलॉजी और इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंपल फंडा है कि सोशल लर्निंग थ्योरी है और ये कहीं ना कहीं हमें कैसे हासिल होती है, दैट पीपल लर्न फ्रॉम वन अनदर, यानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं लोग सीखते हैं. एक जब कोई बंदा कोई काम करता है तो या तो तीन चीज़ें करते हैं, पहले उन ऑब्जर्व करते हैं जो वो कर रहा है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं अगर आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, अप्रोप्रिएट फील हो वो कंटेक्स्ट, तो आप उसको इमिटेट करते हो, यानी द वे ही टॉक्स, द वे ही वॉक्स, राइट. और कुछ भी दूसरे चीज़ों को अगर वो अंजाम दे रहा है तो उन चीज़ों को आप इमिटेट करते हो एंड फाइनली उसको अप्लाई करते हो, राइट. कॉपी करते हुए उसको मॉडलिंग करते हो कहीं ना कहीं. तो ये चीज़ें अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है बैंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी को आप फॉलो करोगे, राइट. बहुत ही कॉमन चीज़ें, नॉर्मली लोग इसी टाइप की चीज़ों को करते हैं. फॉर एग्जांपल, खास करके लड़कियों में ये मामला होता है कि कोई एक दूसरी लड़की एक अच्छी इयररिंग्स पहनी हुई है या किसी ने बालों को हाईलाइट करवाया है, तो ये सब चीज़ें जो ऐसा नहीं कि लड़कों में नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग जो मैटर होता है ताकि आप समझ पाओ कि लोग इमिटेट कैसे करते, तो वो हाईलाइट अच्छी लग रही है या फिर वो इयररिंग्स या फिर वो हील्स या फिर वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन और मॉडलिंग का हिस्सा हो सकता है. इसलिए कि आप उन चीज़ों को देख रहे हो और फिर फर्दर अपने ऊपर अप्लाई भी कर रहे हो, राइट दोस्तों. तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताने की कोशिश की है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. A next point is that the theory has often been called a bridge between behaviorist and cognitive learning. यहाँ दोस्तों, ये social learning theory बैंडूरा का कहीं ना कहीं एक और बड़ी कड़ी को create कर रहा है, जहाँ हमने देखा कि कुछ scholars ने behaviorist theory को propose किया relating to learning. On the other hand, कुछ ऐसे भी scholars थे जिन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी डेवलपमेंट के बारे में प्रपोज कर रहे हैं वो अपनी व्यू पॉइंट्स को. वेयर एज यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में बैंडूरा कहीं ना कहीं एक ब्रिज को क्रिएट कर रहे हैं जो कि बिहेवियरिज्म को और कॉग्निटिव स्किल्स को, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जिसको हम लोग कह सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बनता है कहीं ना कहीं. वो कौन सी ऐसी चीज़ है दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग. तो पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि द थ्योरी हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड a bridge between behaviorist and cognitive learning. Right.
राइट। अब यहाँ पर इन शॉर्ट अगर कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया जाए छोटा सा, तो वी कैन से दैट कॉग्निटिव लर्निंग राइट, कौन सी चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों, कॉग्निटिव स्किल्स जो होते हैं हमारे, उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, दीज आर अटेंशन, memory and motivation, right? अगर आपने मेरे previous videos को follow किया होगा तो attention, memory और motivation के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ। Behaviorist learning pattern जो होता है उनमें कौन सी characteristics देखी जा सकती है? बिहेवियरिस्ट लर्निंग में जो पैटर्न्स होते हैं वो कह सकते हैं हम एटीट्यूड, आउटकम, ओके, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अब एक मजेदार बात समझ लीजिए दोस्तों, यहां पर बैंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी को जो प्रपोज किया, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरिस्ट को लिंक करके कॉम्बिनेशन बनाया कहीं ना कहीं। सो आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को आपने देखा होगा, स्किनर के बारे में देखा होगा, तो उन्होंने जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग को प्रपोज किया है, ठीक है, जिसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स का एक एग्जाम्पल दिया गया है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का एक और वीडियो मैं आगे चल के बनाऊँगा, जिसमें आप ये कहीं ना कहीं देखेंगे कि एक कुत्ता है, कुत्ते के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उस कुत्ते को जब उसके लिए सामने में खाना आता है तो उसके ज़ुबान में एक सलाइवा कहीं ना कहीं जनरेट होता है, बनता है, क्रिएट होता है, फॉर्म होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कैसे हो रही है, उसके सामने एक स्टिमुलस आ रहा है, वो उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अल्टीमेटली हमें आ जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करेंगे, हमने प्रीवियस एक थ्योरी को पढ़ा था दोस्तों, इनसाइटफुल थ्योरी के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक चिंपैंजी अपने कॉग्निटिव स्किल्स को यूज़ करता है। प्याजे के थ्योरी को हमने पढ़ा ही होगा, याद होगा आपको, प्याजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव थ्योरी थी दोस्तों, राइट। और स्किनर के बारे में मैंने जब हमने पढ़ा था, तो उन्होंने रैट के साथ, एक चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में बताया, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये प्रीवियस जितने भी तीन अलग अलग स्कॉलर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उनका एक निचोड़ आप कह सकते हो बैंडूरा को लेकर। तो बैंडूरा वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ट्रायल एंड एरर, और कह सकते हैं आप लास्ट में जो मैंने एक वीडियो बनाया था कोहलर से, इनसाइट थ्योरी यानी कॉग्निटिव वाला, इन तीनों का निचोड़ है ये बैंडूरा के पास, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बैंडूरा ऑब्जर्व दैट मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न्ड ऑब्जर्वेशनली थ्रू इमिटेशन एंड मॉडलिंग, ये मैंने शुरू में ही कहीं ना कहीं आपको बता दिया दोस्तों। इसके बाद खासकर जो इनकी जो थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, उनमें चार कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चार पर्स्पेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वो होता है हमारा पहला, मैं लिख देता हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, फोर नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है। पहला होगा दोस्तों हमारा अटेंशन, राइट। दूसरा होगा दोस्तों रिटेंशन, राइट। तीसरा होगा रिप्रोडक्शन। देखिए बहुत सारी बुक्स में ऐसी भी चीज़ है जहाँ पर मोटर रिप्रोडक्शन का वर्ड यूज़ किया गया दोस्तों, हाँ, तो ये इट कैन बी रिप्रो मोटर रिप्रोडक्शन,
चौथा होगा दोस्तों मोटिवेशन। अब इसके एग्जांपल्स कुछ मैं देना चाहता हूं दोस्तों आपके सामने। देखिए अटेंशन को यू समझ सकते हैं दैट यू नोटिस दैट योर फ्रेंड हु एक्सरसाइजेस रेगुलरली लुक्स हेल्दियर एंड मोर कॉन्फिडेंट। यहां इस पैटर्न को लेकर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो दोस्तों कि आपका दोस्त जो कि जिम जा रहा है वो देखने में बहुत ही हेल्दियर लग रहा है और रेगुलरली एक्सरसाइज करने से वो हेल्दी इस तरीके से दिख रहा है। तो यहां एक ऑब्जर्वेशन बनता है दोस्तों, एक एग्जांपल दिया मैंने जिम वाला आपके फ्रेंड जो जिम जाता है राइट। उसके बाद रिटेंशन में आप फील करोगे दैट यू रिमेंबर दिस एज यू पास योर लोकल जिम यू गो इन एंड साइन अप। जैसे ही आप उस चीज को देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो याद आ जाता है, रिमेंबर करते हो कि हाँ मुझे भी तो जिम जाना है और आप फौरन जाते हो और साइन इन करते हो, वहां पर आप अपना टास्क स्टार्ट करते हो वहां से। तो ये होता है बिहेवियर और इमिटेशन। यहां पर आप अप्लाई कर रहे हो बिहेवियरिज्म को और इमिटेट करते हो इस चीज को। तीसरा पॉइंट है दोस्तों रिप्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यू कैरी आउट योर एक्सरसाइज प्रोग्राम ऑन अ रेगुलर बेसिस। मामला क्या होता है कि पहले आप ऑब्जर्व करते हो, दोस्त को देखते हो, फिर बिहेवियर के हिसाब से आप उस चीज को कॉपी करते हो और खुद भी जाते हो। तीसरा जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन, यहां पर आप उस चीज को री इन्फोर्स करते हो या दोस्तों आप खुद को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हो और उस चीज को और भी ज्यादा मजबूत करते हो अपने फ्रेंड की तरह। तो यहां पर री इन्फोर्समेंट वाला मामला होगा राइट। फाइनली होता मोटिवेशन में यू नाउ फील हेल्दियर एंड मोर कॉन्फिडेंट विच रिवॉर्ड्स यू टू कंटिन्यू। ये होता है दोस्तों मतलब ये होता है कि आपने ऑब्जर्व किया, बिहेवियर को देखा, फिर उसको इमिटेट किया, फिर री इन्फोर्स किया, अब फाइनली आपको फील होता है कि मैंने कुछ अचीव किया तो उस चीज़ को दोबारा मुझे करना चाहिए। तो ये हो गया आपका आउटकम रिस्पॉन्स। कंटिन्यूटी, इस चीज को आप कंटिन्यू रखते हो। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब चीजें कुछ फोर नेसेसरी कंडीशंस एग्जाम ओरिएंटेड चीजें थी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।